सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मिलन। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पर। तो बहुत सारा लोगों ने मुझे पूछा है कि 5000 से कम सैलरी में लोन मिलेगा कि नहीं यूएई में। तो इसका आंसर करूंगा इस वीडियो पर मैं आपको, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो पर बताऊंगा आपको। तो वीडियो को इन तक देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यूएई में 5000 से ऊपर वाला जो सैलरी लेते हैं उन लोग के लिए बहुत सारा ऑप्शन है लोन लेने के लिए। बहुत सारा बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन 5000 से कम सैलरी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक लोन देता है, वो है दुबई इस्लामिक बैंक। और दुबई इस्लामिक बैंक का बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स भी है। आपके अगर 3000 सैलरी है और कंपनी लिस्टेड है फिर भी आप लोन ले सकते हैं अप टू 60,000 दिराम तक। लेकिन अगर आपके पास 3000, 4000, 4500 सैलरी है फिर भी आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते दुबई इस्लामिक बैंक से। तो लिस्टेड का मतलब ये है कि आपका कंपनी बड़ा होना चाहिए, मल्टीनेशनल होना चाहिए और दुबई इस्लामिक बैंक के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप लिस्टेड है कि नहीं ये जानने के लिए आपका जो एचआर है उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप दुबई इस्लामिक बैंक में कस्टमर सर्विस में कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। नहीं तो बेस्ट आइडिया यही है कि आप अपना एचआर से पूछें आपका कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। और अगर आपके पास कंपनी लिस्टेड है तो आपको 3000 में लोन मिल जाएगा, ठीक है, 60,000 दिराम तक, अप टू 20 टाइम्स ऑफ योर सैलरी लोन मिलेगा। और आपको फिलअप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रांच विजिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास दुबई इस्लामिक बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जब आप लोन अप्लाई करेंगे ना तो आपको अकाउंट भी ओपन करके देंगे और डेबिट कार्ड भी देंगे, और 3000 का आपको 60,000 तक मिलेगा। अगर आपके पास कम सैलरी है और कंपनी भी लिस्टेड नहीं है तो आप कैश नाउ वगैरह ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा प्राइवेट लोन वगैरह आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो ये फिल आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल है गाइज, अपना नेम वगैरह, फ़ोन नंबर, आप सैलरी है कि नहीं, आपका कंपनी डिटेल्स वगैरह डालना है। तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और बाद में सबमिट करना है। उसके बाद में आपको एक कॉल आएगा और आपके बारे में पूछा जाएगा और आपका कंपनी कौन सा है ये पूछा जाएगा, और प्रूफ के तौर पर आपको जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाना होता है उसके बाद में ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है गाइज़।